लास्ट क्लास में हमने शेयर्स के सिंपल से क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे, ठीक है। अब इस क्लास में हमें फोर फीचर कंप्लीट करना है। इसका मतलब क्या होता है फोर फीट करना? यानी अगर कभी शेयर होल्डर्स कोई भी इंस्टॉलमेंट को पे नहीं कर पाता, ठीक है, बार बार रिमाइंडर्स के द्वारा, कॉल्स के द्वारा अगर वो पे नहीं करता, तो ये कंपनी को भी राइट है कि वो अपने जो शेयर्स हैं उन्हें जब्त कर ले, ठीक है। यानी कि जो उनके पास शेयर्स हैं उनको जब्त कर ले, क्योंकि अगर आपने शेयर्स की फुल अमाउंट पे की है, अगर आपने पेड अप कैपिटल पे किया है, देन ही आप लायबल हैं करने के लिए, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तभी आपको, ठीक है, शेयर्स का कंप्लीट राइट मिलेगा, अदरवाइज आपको शेयर्स के राइट्स नहीं मिलेंगे। तो इट मे हैपन दैट सम शेयर होल्डर्स फेल टू पे वन और मोर इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि शेयर होल्डर्स हैं एक या एक से ज्यादा इंस्टॉलमेंट्स को पे करने के फे मतलब शेयर होल्डर्स फेल हो जाते हैं, ठीक है, कि वो अलॉटमेंट मनी पे नहीं कर रहे हैं या वो कॉल मनी पे नहीं कर रहे हैं। तो फॉरफीटर ऑफ शेयर्स में इट मे हैपन दैट सम शेयर होल्डर्स फेल टू पे वन और मोर इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी। द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट इज शोन एज एन एडिशन टू द टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो सिंपल है कि जो शेयर्स का जो बैलेंस होता है फॉरफिटेड अकाउंट का, जो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का बैलेंस है, हम उसे टोटल पेड अप कैपिटल, हम उसे कंपनी की टोटल पेड अप कैपिटल में, मतलब यहाँ पे आप सबसे पहले समझिए, बहुत इजी है कि जितना हमारे कंपनी की शेयर कैपिटल, हमारे पास क्या है शेयर कैपिटल, हमारी बताओ गुल्लक है। तो उस गुल्लक में हम क्या करेंगे, फोरफिटेड यानी ये शेयर्स हमने वापस ले लिए हैं, ये शेयर्स हमने जब्त कर लिए हैं, तो उस जब्त की हुई की अमाउंट को उस गुल्लक में हम डाल देंगे, ठीक है। तो सिंपल सीधी सी है, अंडर द हेड शेयर कैपिटल के हेड में, और शेयर कैपिटल अंडर टाइटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है। आइए देखते हैं इसके हमारे पास कौन कौन से क्या है एंट्रीज हैं। अगर हमने शेयर्स फॉरफीट किए हैं पार में, पार का मतलब क्या है, एग्जैक्ट उतने में ही हमने शेयर्स फॉरफीट कर लिए जितने के थे। तो इसमें सिंपल सी है, देखो जितना उसने पेड किया है पैसा, ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट यानी यहाँ शेयर कैपिटल में जितना भी अमाउंट पेड, वो सारा का सारा जो अमाउंट है, वो सारा का सारा पैसा है, वो फोर फीट में आ जाएगा, यानी वो सारा का सारा अमाउंट जो है वो जब्त हो जाएगा। यानी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीट अकाउंट, क्लियर। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीट अकाउंट, यानी जितना भी शेयर कैपिटल का पैसा है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका जब्त हो जाएगा, क्लियर। तो यानी जितना आपके पास शेयर्स फॉरफीटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी एंड कॉल्स मेड, ठीक है, यानी कि अलॉटमेंट मनी और जो कॉल लगाई गई है, अगर उसकी नॉन पेमेंट, ठीक है, नहीं की गई है, तो शेयर्स फॉरफिट हो गए। यहां समझना, यानी कि मान लीजिए कि उसने अलॉटमेंट के भी पैसा दिया है, जितना उसने पैसा दिया है यानी 1000, यानी उसने मान लीजिए कि उसने 5 शेयर्स लिए थे, ठीक है, 10 के अकॉर्डिंग एट पार, यानी 10 के अकॉर्डिंग, यानी कि उसने 5 में से खाली 2 की कॉल मनी पे की है, ठीक है। तो यानी कि उसने सिर्फ 2 की ही मनी पे की है, यानी ₹2 ही उसने पे किया है, तो 5 into 2 कितना हो गया 10, तो शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो गया 10, वही आप यहाँ डाल देंगे 10। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं करना, मैंने आपको पहले ही बताया था शेयर कैपिटल कहता है मैं तो एग्जैक्ट लूंगा, ठीक है, क्या कहता है कि मैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट लूंगा। यानी अगर उन्होंने कॉल किया है जब तक,
मान लीजिए कि उन्होंने अलॉटमेंट तक कॉल किया है, तो कॉल्ड अलॉटमेंट तक आएगी। ठीक है, अभी हम इस क्वेश्चंस में देखेंगे कैसे करना है, क्योंकि ये आपने ज्यादातर जहां गलती करते हैं वहां गलती होती है हमारी कैपिटल अकाउंट में, शेयर कैपिटल अकाउंट में ही हमारी मिस्टेक होती है, अदरवाइज हमारी उतनी मिस्टेक नहीं होती। तो यही हमें मतलब इम्प्रूव करना है, यही हमें ठीक करना है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीट अकाउंट, ठीक है। तो यानी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीट अकाउंट, फॉरफीट में तो जितना उसने पैसा दिया है, यानी कि उसने 10 दिया है, 10 आ जाएगा। कॉल्ड अप में ये कंपनी ने उससे जितने पैसे मांगे, ठीक है, वहां तक का बाकी क्वेश्चन में कवर होगा। ठीक है, प्रीमियम का भी और ठीक है डिस्काउंट का, ये सब आपको न्यूमेरिकल से समझाऊंगी तभी, क्योंकि इसमें बहुत इजी है। अगर आपने इस पार्ट को समझ लिया ना, तो कहाँ पे मनी की शॉर्टेज है तो आप उसको वहां पर होगा प्रीमियम कर देंगे, डिस्काउंट पे क्या है तो यहाँ नीचे डिस्काउंट में कर देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ प्रीमियम का ही केस इंक्लूड है, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आपका प्रीमियम पे ही होगा, नहीं, प्रीमियम पे भी होता है और आपका डिस्काउंट पे भी होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे आते हैं, रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। ठीक है, क्या होता है कि कब मतलब कंपनी ने, अब कंपनी ने जब वो शेयर्स अपने अंडर जब्त कर लिए हैं, तो कंपनी को एंटायरली पूरा राइट्स है कि उन फॉरफिटेड शेयर्स को कंपनी रीइश्यू करती है। ठीक है, कंपनी रीइश्यू कर सकती है पार पे भी, प्रीमियम पे भी और डिस्काउंट पे भी। लेकिन ऐसा ना पॉसिबल नहीं होता कि कंपनी हमेशा फॉरफिटेड शेयर्स को पार पे इश्यू करे या फिर ठीक है ना प्रीमियम पे इश्यू करे। बहुत ही हाईली रेप्यूटेड कंपनी है, ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं भाई पुराने शेयर्स फुली अमाउंट पे क्यों लूं, क्या मतलब मुझे क्या बेनिफिट होगा, खुद सोचिए। ठीक है, तो मुझे क्या बेनिफिट होगा, तो इसीलिए ही तो आपके जो ये फुली पेड शेयर्स हैं पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे रीइश्यू होते हैं। तो फॉरफिटेड शेयर्स मे बी रीइश्यूड। ठीक है, अब ठीक कंपनी के ऊपर है, आपको क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है, मेन तो वो मैटर करेगा कि आपके पास पार है प्रीमियम है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में मेनली डिस्काउंट चलता है कहाँ पे, फॉरफिटेड शेयर्स में। एंट्री देखते हैं, एंट्री कैसे होगी। देखो सबसे पहली बात है आपका मेन एंट्री यही होती है। अभी आप ये सिर्फ ना प्रीमियम की एंट्री आप छोड़ दीजिए, ठीक है, इसको थोड़ा सा ना रेक्टिफाई मुझे करना होगा कि इसमें पार अलग, प्रीमियम अलग और डिस्काउंट अलग, इन सब की अलग अलग एंट्री शो करनी है। लेकिन इसकी सिंपल एंट्री सबसे पहले आप शो कीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्लियर? तो यानी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट बैंक में, ठीक है, उसने यानी उसका एक्चुअल में ठीक है इतनी मनी आई है हमें रीइश्यू करके, ठीक है, और ये अगर रीइश्यू पे कोई डिस्काउंट है। जनरली एंट्री आपके पास क्या है भाई, सिंपल सी एंट्री है, बहुत इजी है, जैसे कि हम हर बार करते हैं क्या कि जितना भी सारा का सारा पैसा आता है वो हम शेयर कैपिटल में डाल देते हैं। तो सिंपल एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर हमने क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल क्या कहते हैं, ना तो मैं ज्यादा लूंगा ना ही मैं कम लूंगा। अगर मैंने प्रीमियम पे इशू किया है, ठीक है, प्रीमियम की अमाउंट शेयर कैपिटल नहीं लेगा, प्रीमियम की अमाउंट हमें फिर अलग से यहाँ शो करनी पड़ेगी। और बैंक में तो खैर एग्जैक्ट उतना ही आ जाएगा कि चाहे इसमें प्रीमियम भी हो और चाहे इसमें डिस्काउंट कट के भी आए। अगर यहाँ पर है हमारे पास फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो कंसेप्ट है ना ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि डिस्काउंट ऑन री इशू, यानी जब कभी भी हम
जब कभी भी हम क्या करते हैं, रीशू करते हैं, तो रीशू पे क्या हो जाता है, डिस्काउंट। ठीक है, तो रीशू पे डिस्काउंट हो जाता है, यानी फॉरफिट। एक मिनट भाई, ठीक तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, तो यानी कि आपने अगर डिस्काउंट पे इशू किया है, कैपिटल अकाउंट तो क्या कहेगा, मैं तो एग्जैक्ट लूंगा, है ना, जितना भी कॉल्ड अप है। ठीक है, यानी कि मैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट लेता है वो। ठीक है ना, तो वो प्रीमियम को एक्सेप्ट करेगा और ना ही वो डिस्काउंट को माइनस करेगा। तो क्या सीन है फिर, सीन आपके पास सिंपल सा है कि जो डिस्काउंट है आपको क्या करना है, जो डिस्काउंट अगर आपने इश्यू किया है, यही जो फॉरफिटेड शेयर्स है, ठीक है, डिस्काउंट आप वहां से रिसीव करेंगे। ठीक है, फॉरफिटेड शेयर्स को हम यूज करते हैं, ठीक है, रीशू के टाइम पर डिस्काउंट देने में, मेनली यही प्रैक्टिकल में चलता है। ठीक है, क्योंकि आपके पास ऑल शेयर्स हैं, फॉरफिटेड शेयर्स, तो मैं इन्हें डिस्काउंट में क्यों लूं। इन्वेस्टर्स हमेशा, आजकल इन्वेस्टर समझदार हैं, ठीक है, वो लेते ही हैं। तो फिर उसके बाद आप देखेंगे लास्ट में कि जो फॉरफिटेड शेयर, आप प्लीज पेपर पेन लेके बैठिएगा, जैसे बताऊंगी कैलकुलेशन वैसे ही आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट ये क्या होता है, देखो, एक तो मैंने, मान लीजिए कि मैंने इसी के 5,000 क्या कर लिए, जब्त कर लिए फॉरफिटेड अकाउंट में, और मैंने उन्हीं 5,000 में से मैंने 1,000 डिस्काउंट में, रीइशू में काम आ गए, तो बाकी का बचा इतना 4,000 ना, 4,000 वो हमारी रिजर्व में जाएगा, जनरल रिजर्व में नहीं जाएगा। ध्यान रखना, ये कैपिटल का प्रॉफिट है, ये मेरी गुल्लक का प्रॉफिट है, तो ये गुल्लक के ही रिजर्व में जाएगा, ये गुल्लक के ही। आप और कुछ रिजर्व को बोलना चाहते हैं, ठीक, तो आप उसे बोल सकते हैं कि लाइक तिजोरी में जाएगा या जो भी चीज है। ठीक है, तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये आपकी ट्रांजेक्शन होंगी। तो ठीक है, अब मेन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेनली फॉरफिट के और रीइशू के क्वेश्चंस हैं, स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो आपको बहुत टिपिकल नहीं देंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, मतलब कि हमें सिर्फ फॉरफिट की एंट्री करनी है, हमें रीइशू की एंट्री है, और आपको इतना भी नहीं सब कुछ देगा, कुछ डाटा आपको ऐसा देगा, या तो आपको फॉरफिट का पूछ लेगा, या मेन इतना पूछ लेगा कि कैपिटल रिजर्व में कितना बैलेंस जाएगा। तो हमें ये निकालने के लिए एंटायर, ठीक है, कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए मुझे ये एंटायर पार्ट कवर करना पड़ता है। क्लियर हुआ, मुझे ये कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए ये मुझे सारा जो पार्ट है वो कवर करना पड़ता है। तो यहाँ देख लीजिए, फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स में ए लिमिटेड इश्यूड 1,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ए लिमिटेड ने 1,000 शेयर्स इश्यू किए 10 के हिसाब से, समझिएगा, लिखना है लिख लीजिए, सारे के सारे शेयर्स पब्लिक ने ले लिए। ठीक है, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट में 4, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 3, तो 3 + 4 = 7 + 3 = 10, यानी इसमें कुछ भी ना प्रीमियम है ना डिस्काउंट है। तो विक्रम एक शेयर होल्डर है 100 शेयर्स का, उसने एप्लीकेशन मनी ही पे की है, लेकिन उसने अलॉटमेंट और कॉल मनी पे नहीं की। ठीक है, उसने दोनों पे नहीं किया, ना ही अलॉटमेंट मनी पे की, ना ही उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी पे की। ठीक है, तो ये भी बहुत एक सिंपल सा है आपका। अच्छा, मैं ना आप ना मुझे प्लीज अभी 5 मिनट्स, 2 मिनट्स में मुझे यहाँ तक ये, क्योंकि यहाँ तक जो है सिंपल, कैसे कैसे स्टेटमेंट ट्रांजेक्शंस करनी है, अपूर्व और नूतन पेपर पर निकाल रखा है ना आप लोगों ने, मैंने पहले ही कहा था निकालिए। ठीक है, यहाँ से मुझे सारी ट्रांजेक्शंस अभी तक सिंपल वाली लिख के भेजिए, ठीक है, पेपर
पेपर पे लिखिए और मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कीजिए व्हाट्सएप पे फटाफट। ठीक है, तो ए लिमिटेड ने इश्यूड किए 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो सबसे पहले एप्लीकेशन आएगा है ना, बैंक अकाउंट एबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है ना, एंड देन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो प्लीज आप ये एंट्री कॉल मनी तक, क्योंकि अभी मैं फॉरफिट की तो एंट्री मैं ही समझा रही हूँ, यहाँ तक आप लोग प्लीज एंट्रीज लिखिए और अपनी प्लीज वीडियो ऑन कर दीजिए कि मुझे ये दिखे कि आप लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम। तुम प्लीज आप भी। हाँ ठीक है, इतना कि मतलब ऐसा ना हो ना कि रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, फटाफट से करके भेजो कॉल मनी तक लास्ट तक, क्योंकि फॉरफिट का मैं समझाऊंगी, रीइशू का मैं समझा रही हूँ। इतना टाइम लग गया अभी भी पेपर में? इतना टाइम इसमें सारी नहीं लगा रहे? एंट्री बना रहे हैं ना, 200 एंट्री जो है हर एक की, या फिर डायरेक्ट आंसर निकालना है। एंट्री करनी है ना, 6 एंट्री, एप्लीकेशन के 2, अलॉटमेंट के 2, फाइनल कॉल के 2, जल्दी करो।
एक मिनट, भेजा है क्या किसी ने? नूतन आप क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन कर रहे हैं आप? चलिए अपूर्व ने तो सेंड किया है। सबसे पहले क्या आएगा? बैंक अकाउंट आप टू शेयर एप्लीकेशन, तो 1000 × 3, 3000 एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। देन शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट तो कितने के अकॉर्डिंग है? 1000 × 4। ये गलत कर दिया ना, ये क्या किया? नहीं नहीं, सबसे पहली बात ना, जो ये थर्ड एंट्री आपने की है ना, यहाँ पर आप ड्यू 100,000 पे होगी लेकिन रिसीव 900 पे होगी, ऐसा होगा ना? नहीं, वो तो समझ में आ गया। बैंक अकाउंट बिल्कुल ठीक है, फोर्थ एंट्री बिल्कुल ठीक है कि जो 100 के 400 आपने मतलब आए नहीं पैसा, लेकिन बाबू ये बताइए थर्ड में तो कॉल तो सब सबको की जाएगी ना, या कंपनी को सपना आएगा कि अच्छा ये वाला जो इंसान है वो पहले से ही पैसे नहीं देगा? ये गलत कर दिया आपने। जो ड्यू का है वहां पर आपने गलत कर दिया, वहां पे 4000 आएगा, 4000 वही आपने वहां भी गलत कर दिया। पहले बताओ ये क्लियर हुआ है नहीं? यहाँ पे फुल आएगी कॉल, जब कभी भी हम पे करते हैं तो उसमें हमेशा से फुल ही आती है। हाँ अब ठीक है, ठीक है, क्योंकि हम आप ये अपने आप से बताइए ना, ये एक्चुअल है, बैंक की बात की जा रही है। और नूतन आप कहाँ है? आपने अभी तक क्वेश्चन क्यों नहीं किया? मैं बस कर रही हूँ। इतना टाइम लग गया? नहीं मैम, नहीं, बहुत गलत बात है। चलो मैं आगे बताती हूँ। बाबू काफी टाइम हो गया पेपर में, इतना इतना टाइम नहीं लगाना नूतन। देख लो आप, अगर आपको आया नहीं है तो आप उस पे देख लो, ठीक है? यहाँ देखिए, उसके बाद क्या 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 कंपनी ने ऑन हिज फेलियो कंपनी फॉरफिटेड हिज शेयर्स, कंपनी ने उसके जो शेयर्स है वो क्या कर दिए? फॉरफिट कर दिए। तो सबसे पहले हम फॉरफिट की एंट्री करते हैं, ठीक है? तो हम रीशू की एंट्री पे अभी बाद में ध्यान देंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले मैंने आपको बताया था ये जो इक्विटी शेयर का अकाउंट है, ये जो ये शेयर कैपिटल अकाउंट है, इसमें आपका कॉल्ड अप आएगा। उसने कहां तक मांगे? उसने दोनों मांगे ना, उसने अलॉटमेंट भी मांगा और उसने कॉल भी मांगा। यहाँ ध्यान देना बार बार, कॉल्ड अप दोनों में आएगा। अगर उसने खाली अलॉटमेंट मांगा होता तो खाली हम अलॉटमेंट तक का ही पैसा यहाँ पे इंक्लूड करते, लेकिन उसने अलॉटमेंट और कॉल मनी दोनों ही मांगी है। इसका मतलब कि एंटायरली उसने 10 रुपए कंपनी ने मांगे हैं। तो 1000 पे 10 के अकॉर्डिंग 1000 रुपीज आने थे, लेकिन आए एक्चुअल में कितने हैं? 3 के अकॉर्डिंग आए हैं, यानी 300 आए हैं, 300 हमने जब्त कर लिए। और अलॉटमेंट में 4 नहीं दिए उसने, 400 नहीं दिए, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी उसने 3 नहीं दिए। तो बहुत सिंपल है, ठीक है? ये बताओ इसमें कोई दिक्कत है? अब यहाँ देख लो,
ये क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, मुझे नहीं लग रहा आप लोग पता नहीं पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। ऑल 100 फॉरफिटेड शेयर्स री इशू। ठीक है, हमने जितने भी सारे शेयर्स थे फॉरफिटेड शेयर्स वो हमने री इशू कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप यहाँ पे देखना कितने के अकॉर्डिंग हमने री इशू किए हैं, 8 पर शेयर। ठीक है, अब एक्चुअल में कितना था पैसा देखो। सबसे पहले आपको सबसे पहले इसकी बेसिक एंट्री करनी है। हमें बेसिक एंट्री कैसे करनी है देखिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये बेसिक एंट्री है ना। बैंक अकाउंट में एक्चुअल में कितना रीशू से ऐसा आया, 100 × 8 यानी 800। कैपिटल अकाउंट में मैंने आपको पहले बताया कैपिटल अकाउंट क्या कहता है, ना तो मैं एक पैसा कम लूंगा और ना ही मैं एक पैसा ज्यादा लूंगा। तो 100 × 10 यानी, क्योंकि ये क्या 10 कॉल्ड अप है ना, इसीलिए आया यानी 1000। तो 1000 में से यानी 1000 थी में से सिर्फ हमने, क्योंकि हमारे फॉरफिटेड शेयर्स थे। ठीक है, तो ये इसीलिए कंपनी मेनली क्या करती है, डिस्काउंट से करती है। तो 800 ही रुपए आए, बाकी का जो 200 रुपए थे हम यहाँ पे कंपनी कैसे एडजस्ट करेगी, कंपनी कहेगी कि जो हमने पुराने शेयर्स जब्त किए थे, ठीक है, जो हमने जब्त किया था पैसा, ठीक है, उससे हम ये बाकी के 200 रुपए रिकवर कर लेंगे। यहाँ इसीलिए आया शेयर फॉरफीट अकाउंट। ठीक है, तो शेयर फॉरफीट अकाउंट डेबिट, ठीक है, 200। आइए नेक्स्ट पे। तो शेयर फॉरफीट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, यानी अगर शेयर फॉरफीट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कैसे, कि 300 रुपए कंपनी ने जब्त किए थे, 200 रुपए तो यूटिलाइज हो गए, क्योंकि ये सोचिए ना कि कभी भी, ठीक है, प्रीमियम अगर मान लीजिए कि यही रीइशू का केस प्रीमियम पे इशू हो जाए तो कंपनी को तो बहुत फायदा होगा। कंपनी तो जो ऑलरेडी फॉरफीट शेयर किए कंपनी ने, पहले पैसे जब्त किए उससे फायदा हुआ, प्रीमियम पे कंपनी ने इशू किया उससे ज्यादा, ठीक है, उस पे फायदा हुआ, बेनिफिट वहां पर हुआ। लेकिन ऐसे ना नहीं होता बेनिफिट। ठीक है, आपके पास क्या है, 300 शेयर फॉरफीट अकाउंट है, तो अगर 300 फॉरफीट अकाउंट है तो शेयर कैपिटल आपने यहाँ पे यूटिलाइज इतना किया, 200 यूटिलाइज कर दिया, तो 100 ही, तो कंपनी को प्रॉफिट होता है, लेकिन उस लेवल का प्रॉफिट नहीं होता। ठीक है, कि मतलब इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं अगर ये कंपनी के माइंड में है कि नहीं शेयर फॉरफीट हो जाए इससे, लेकिन इसमें ना हमारे पास, क्योंकि दोबारे शेयर्स को रीइशू भी तो करना पड़ता है, और रीइशू में आप एडवर्टीजमेंट देंगे, प्रोस्पेक्टस देंगे, सब कुछ होगा, तो उसमें भी आपकी मनी वेस्ट कहीं ना कहीं होती है। और अगर वो प्रीमियम पे जाए फिर भी कंपनी को काफी बेनिफिट होता है, लेकिन जब भी डिस्काउंट पे होते हैं, ठीक है, वो डिस्काउंट पे देखो आपको ऐसे लिखा हुआ है ना, 8 पर शेयर। ठीक है भाई, मैं एग्जैक्ट क्यों लूं भाई, मैं तो, मैंने जब सेकंड हैंड शेयर है, ठीक है, फॉरफीट शेयर है, तो इसीलिए मेनली सब उसी में लेते हैं। तो शेयर फॉरफीट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितना हो गया आपका, 100 100। पहले बताइए क्लियर हुआ इतना या नहीं। ठीक है, देख लो अगर नहीं क्लियर है तो। ठीक है, अब ये फटाफट से मुझे ना ये वाला क्वेश्चन खुद से करके दिखाओ। अच्छा, ये तो सेम ही सेम क्वेश्चन है क्या इसमें, तो सेम नहीं, नहीं अलग है, थोड़ा सा अलग है। कौन सा वाला करना है मैम? ये वाला करना है ना, एक्टिव हो जाओ। हाँ मैम, वो क्या ना मैं बूझी बन गई, अभी कॉल आ रही थी भैया की, तो थोड़ा वो कल डॉक्टर के गए थे, जब तक डॉक्टर ने बोला अभी टाइम लगेगा, घर पे गए, बेबी हो गया उनको सुबह। अरे अरे वाह, कांग्रेचुलेशन, क्या हुआ है, लड़का या लड़की? लड़का हुआ है, सोच रहे थे लड़की आएगी, नाम वाम सोच रखा था, पर वो तो लड़का आ गया। तो लड़का आ गया, कोई बात नहीं,
अच्छी बात है। कल गए थे, कल गए डॉक्टर वहां पे, कि अभी तो 10-15 दिन लगेंगे, और घर पे आए उनको सुबह हुआ है मॉर्निंग में। ऐसा हो जाता है, कभी भी कुछ भी हो जाता है इसमें, बोलते हैं 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने का, तो डिलीवरी है ठीक है। चलो दोनों सेफ है ना, मदर भी और बच्चा भी। हाँ, 9 मंथ्स हो गए, बस 2-3 दिन ही हुए थे। अच्छा 9 मंथ्स कंप्लीट हुए हैं, वो मतलब 8th पूरा होकर 9th में लगे थे वो 29 सितंबर को। अच्छा अच्छा मतलब 9th बस स्टार्ट ही हुआ था। हाँ हाँ स्टार्टिंग। चलो सही है, नहीं लड़के वैसे जल्दी आ जाते हैं, लड़के का सीन है ये देखा है, लड़के जल्दी आ जाते हैं, लड़की पूरा 9 मंथ्स लेती है एंड तक। चलो अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशन। और आज दशहरा वाले दिन ही हो गए। हाँ मॉर्निंग में हुआ है 3:45। हाँ तो सही है। चलो फिर अब आपको तो, अब आपका पेपर क्लियर करना और भी इम्पोर्टेंट है। Yes, पे आ जाओ, दूसरे वाला करना है ना। हाँ हाँ सेकंड करना है। कंपनी ने अपना सारे शेयर्स फॉरफिट नहीं किए, 100 शेयर्स थे उसके, कंपनी ने खाली उसके 60 शेयर्स ही फॉरफिट किए हैं ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, आपको कंप्लीट क्वेश्चंस फ्रेम कर। अच्छा पहले आप मुझे इसका स्क्रीनशॉट ले लो ठीक है, मैं अभी ये कॉल एंड कर रही हूँ, मुझे 5 मिनट्स के अंदर इसका आंसर सेंड करो, इतने आप न्यूमेरिकल भी कर लोगे, इतने ये रिकॉर्डिंग सेव हो जाएगी। ठीक है स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? यस मैम। ठीक है एंटायरली सारा करना है एप्लीकेशन से पैसा, ठीक है ना, फुल सिर्फ फॉरफिट का ही नहीं करना। मैं इतने अभी फिलहाल ये वाली एंड कर रही हूँ, आप इतने क्वेश्चंस कीजिए।